हे गाइस, वेलकम टू फ्रिक इंडिया। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको Hyundai Venue के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बताऊंगा। अगर आप इस कार को खरीदने का मन बना चुके हो तो ये चीज़ें ज़रूर ध्यान में रखिए कि इस कार में कौन से पॉजिटिव चीज़ें हैं और क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं। तो इस वीडियो में मैं कार के सभी पॉजिटिव पॉइंट्स को कवर करूंगा और नेगेटिव पॉइंट्स के वीडियो में कल अपलोड करने वाला हूँ। टू गेट नोटिफिकेशन ऑफ दैट वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। सो लेट गेट स्टार्टेड। Hyundai Venue में मुझे फर्स्ट प्लस पॉइंट ये लगता है कि इसमें आपको 3 इंजन ऑप्शंस मिलते हैं। Hyundai Venue में आप अपनी पसंद का और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई भी इंजन ऑप्शंस चूज कर सकते हो। आपको इस SUV में 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है। अगर आपको और भी ज़्यादा पावरफुल पेट्रोल इंजन चाहिए हो तो 1.0 लीटर टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन का ऑप्शन भी इसमें अवेलेबल है। इसके अलावा Hyundai Venue में 1.5 लीटर डीजल इंजन का ऑप्शन मिलेगा। दोस्तों, मैं अगर अगले प्लस पॉइंट की बात करूँ तो Hyundai Venue में आपको एक नहीं दो नहीं पर 3 ट्रांसमिशन ऑप्शन देखने को मिलते हैं। इन ऑप्शंस में 6 स्पीड मैनुअल, 6 स्पीड डुअल क्लच ऑटोमेटिक ट्रांसमिशंस और IMD ट्रांसमिशन ये ऑप्शन मिलेंगे। इसमें अगर आप IMD ट्रांसमिशन लेते हो तो आप मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों भी ट्रांसमिशन का मजा ले पाओगे। Hyundai Venue के थर्ड प्लस पॉइंट की बात करूँ तो इसमें आपको ब्लू लिंक कनेक्टिविटी फीचर मिल जाता है। ब्लू लिंक का यूज़ करके आप Venue को मोबाइल से हाफ कंट्रोल कर सकते हो। मतलब आप मोबाइल के द्वारा अपनी कार को स्टार्ट स्टॉप कर सकते हो और आपकी कार को कंप्लीट ट्रैक भी कर सकते हो। तो गाइस, अगले प्लस पॉइंट को देखें तो इस कार का जो साइज़ है वो किसी भी प्रीमियम हैचबैक से ज़्यादा नहीं है। ये कार एकदम कन्वीनियंट और कॉम्पैक्ट लगती है। साथ में पार्किंग के टाइम भी आप इसे आराम से हैंडल कर सकते हो। ये कम से कम जगह में भी पार्क हो जाएगी तो आपको पार्किंग का कोई भी इश्यू फेस नहीं करना पड़ेगा। तो अभी अगले प्लस पॉइंट को देखें तो ये कार कॉम्पैक्ट और कन्वीनियंट होने के साथ ही काफ़ी कंफर्टेबल है। अगर आप इस कार को लॉन्ग ड्राइव पर भी लेकर जाते हो तो आपको ज़्यादा थकान महसूस नहीं होगी। Hyundai Venue की जो फ्रंट सीट है वो भी काफ़ी बड़ी और कम्फर्टेबल मिल जाती है और फ्रंट में लेग स्पेस भी काफ़ी दिया है और पीछे भी लंबी चौड़ी सीट और लेग रूम अच्छा खासा मिलता है। पीछे की सीट पर आपको थोड़ा सेडन जैसा फील आएगा। हमारा 6th प्लस पॉइंट है कार का बूट स्पेस। Hyundai Venue में 350 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। अगर आपको एक ऐसी कार चाहिए जिसे आप अकेले रोज़ाना यूज़ करना चाहते हो या अगर आपकी फैमिली में 5 लोग भी घूमने जा रहे हो और साथ में लगेज हो तो ये कार आपके लिए एकदम परफेक्ट है। आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अभी लास्ट प्लस पॉइंट को देखें तो Hyundai Venue में आपको अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलेगा। इस SUV में लगभग 194 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है तो अगर आपकी कार में ज़्यादा वजन भी हो जाए तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो गाइज, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। कल हम डिस्कस करेंगे इसके नेगेटिव पॉइंट्स को। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Call me a shooting star.